नमस्ते। इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का अध्ययन करेंगे। परिभाषा: किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई गुण कितनी मात्रा में है, इसकी छानबीन को ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। यह तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री: यदि एडजेक्टिव के मूल रूप का प्रयोग हो तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। जैसे ही इज ए गुड बॉय, गुड मूल रूप में हुआ है। पॉजिटिव की विशेषता: पॉजिटिव डिग्री में व्यक्तियों वस्तुओं के गुणों की तुलना नहीं की जाती, और यदि तुलना होती भी है तो उनके बीच समानता दिखलाई जाती है, गुणों का अधिक या कम होना नहीं। वाक्यों की बनावट दो तरह की होती है। पहला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। दूसरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। जैसे उदाहरण, ही इज क्लेवर, He is as clever as she. Comparative degree. जब गुण की मात्रा एक में दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बताया जाता है तब उसे कॉम्पेरेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे ही इज टॉलर देन सी, यह टॉलर देन कॉम्पेरेटिव है। कॉम्पेरेटिव में देन लगाया जाता है, टॉलर कॉम्पेरेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री: जब गुण की मात्रा एक में दूसरे कईयों की अपेक्षा सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है तो उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे ही इज द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, यहाँ रिचेस्ट सुपरलेटिव है, यहाँ पर द लगता है इसके सामने। जैसे कॉम्पेरेटिव में टॉलर के बाद देन लगता था, लगा था, उसी तरह सुपरलेटिव में द लगता है, मतलब हर कॉम्पेरेटिव में देन लगेगा कॉम्पेरेटिव के बाद, और सुपरलेटिव में द लगेगा। आगे कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव की बनावट। कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव की बनावट में एक सिलेबल वाले एडजेक्टिव में वर्ब आर या ई आर जोड़कर कॉम्परेटिव तथा एस टी या ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। तो एक सिलेबल वाले में आर या ई आर जोड़कर कॉम्परेटिव, एस टी ई एस टी जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। यहाँ पर टॉलेस्ट ई एस टी, ई एस टी, ई एस टी। दो सिलेबल या दो से अधिक सिलेबल्स वाले में मोर जोड़कर कॉम्परेटिव तथा मोस्ट जोड़कर सुपरलेटिव बनाया जाता है। जैसे यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अनियमित बनावट के भी होते हैं, जैसे इनको याद रख लीजिएगा, कॉमन, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। गुड, बेटर, बेस्ट, बेट, वर्स, वर्स्ट, लिटिल लेस, लीस्ट, मच मोर, मोस्ट, मैनी मोर, मोस्ट, लेस, लेसर, लीस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। चेंज द डिग्री अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन द सेंटेंस द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज चेंज्ड बट द मीनिंग हैज रिमेन्ड अनचेंज। ठीक है, मतलब कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए, डिग्री बदल दे, तो इसको चेंज द डिग्री। दो तरह का
सेंटेंस है, एक है टैगोर इज द बेस्ट इंडियन पोएट। इस तरह से द बेस्ट मैन, द बेस्ट इस तरह से रहेगा द बेस्ट। और दूसरा जो है मैं दिखा रहा हूँ, बोस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट। वन ऑफ द बेस्ट और द बेस्ट, ये दो तरह से सुपरलेटिव डिग्री दिए जाएंगे और आपको चेंज करना है। इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंड द बेस्ट। तो जब वन ऑफ द बेस्ट रहेगा तो कैसे लिखेंगे, चेंज कैसे करेंगे कि बोस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, तो कैसे चेंज होगा, बोस इज बेटर देन, बेटर देन कॉम्परेटिव हो गया मोस्ट अदर साइंटिस्ट। और इसका जो है गुड बेटर का गुड कॉमन डिग्री कैसे हुआ है, वेरी फ्यू साइंटिस्ट आर एज गुड एज बॉस। इसको याद रख ले तीनों को। पहला का द बेस्ट रहेगा तो कैसे करेंगे, टैगोर इज बेटर देन एनी अदर इंडियन पोएट्स, बेटर देन एनी अदर इंडियन पोएट्स, नो अदर इंडियन पोएट इज एज गुड एज टैगोर, नो अदर एज गुड एज। तो यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे रहेगा तो कॉम्परेटिव और ये है कॉमन डिग्री, ऐसे कॉमन रहेगा तो ऐसे कॉम्परेटिव और ये सुपरलेटिव कर सकते हैं, या कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव या कॉमन डिग्री पूछा जा सकता है। इसको याद रखें, ये टैगोर और इंडियन पॉइंट की जगह पर दूसरे दिए रहेंगे पर चेंजिंग यही होगा, टैगोर इज द बेस्ट इंडियन पॉइंट, टैगोर इज बेटर देन एनी अदर इंडियन पॉइंट, नो अदर इंडियन पॉइंट इज एज गुड एज टैगोर। दूसरे का फिर से एक बार देखते हैं, बॉस इज वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, ऐसा रहेगा तो बॉस इज बेटर देन मोस्ट, बेटर देन मोस्ट अदर, बेटर देन मोस्ट अदर साइंटिस्ट। और यहाँ होगा ए फ्यू साइंटिस्ट आर एज गुड एज गुड एज। तो इस तरह से आप इन दो को याद कर लें, इनका ये एज गुड एज कॉमन डिग्री का, इनका बेटर देन मोस्ट हो जाएगा कॉम्परेटिव डिग्री, इस कॉम्परेटिव का ये सुपर रिलेटिव डिग्री, इस तरह से इसको भी याद कर लीजिए। उपरोक्त दोनों टैगोर और बोस वाले वाक्यों को समझकर याद कर लें, इसी के तर्ज पर आप दूसरे का भी रूपांतरण कर सकेंगे। तो इसी के साथ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पूरा हुआ। धन्यवाद।